एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वर्सेस वर्कमैन। इस केस में कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो एक सिनेमा शो अरेंज करती है अपने वर्कमैन के एंटरटेनमेंट के लिए। सिनेमा शो जब चल रहा होता है तो उसी बीच कुछ वर्कमैन गुंडागर्दी दिखाते हैं, राउडिज्म दिखाते हैं और शाउटिंग करने लग जाते हैं। इस वजह से सिनेमा शो बीच में ही बंद करना पड़ता है। बाद में जो नाम सामने आता है कि किस वर्कमैन ने शाउटिंग की थी और ये राउडिज्म दिखाया था, तो उसमें मलकराम का नाम आता है। मैनेजमेंट मलकराम के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करती है और उससे शो कॉज पूछती है कि वो कारण बताए कि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। लेकिन मलकराम ये कहता है कि उसने इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया था। तो मैनेजर्स उसे दूसरा नोटिस सर्व करते हैं और उसे कहते हैं कि उसे मीटिंग में आना होगा ताकि फर्दर इंक्वायरी की जा सके। मीटिंग में मलकराम के सामने कुछ एविडेंसेस और कुछ विटनेसेस पेश किए जाते हैं, लेकिन मलकराम को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने की। मलकराम ये कहता है कि उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं और जो भी विटनेसेस आ रहे हैं ये सभी रॉन्ग है, गलत है। इन मीटिंग के एंड में सभी मैनेजर्स मलकराम को गिल्टी मानते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं और कुछ दिन बाद उसे डिसमिस कर देते हैं। मलकराम फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है और कहता है कि ये जो इंक्वायरी हुई है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख के नहीं हुई। ट्रिब्यूनल भी यही मानता है कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हुआ है। ट्रिब्यूनल मैनेजमेंट को कहता है कि वो मलकराम को वापस से काम पर रखें, रीइंस्टेट करें और उसको जो भी वेजेस उसके बनते हैं वो उसे दें। लेकिन बाद में मैनेजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP के थ्रू अपील करती है। केस में ये इशू अराइज होता है कि क्या ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर जो माना कि ये जो इंक्वायरी हुई थी ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो क्या ये ट्रिब्यूनल का ये मानना जस्टिफाइड था। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है और वो ट्रिब्यूनल के डिसीजन से एग्री करती है। सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पर जो इंक्वायरी ऑफिसर्स थे उन्होंने सिर्फ अपनी ही पर्सनल नॉलेज के बेसिस पर ये पूरा मैटर डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंक्वायरी की थी मैनेजमेंट ने वो डिफेक्टिव थी। डोमेस्टिक इंक्वायरी जो है फेयरली कंडक्ट की जानी चाहिए और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए और इस केस में मलकराम को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके उन एविडेंसेस को जो कि उसके अगेंस्ट पेश किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस केस में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हुआ है और जो भी डोमेस्टिक इंक्वायरी की गई थी वो फेयरली कंडक्ट नहीं की गई थी।